हल्द्वानी पुलिस नशे के खिलाफ कार्रवाई के लाख दावे करती हो, लेकिन पुलिस के दावे राजपुरा क्षेत्र में हवा हवाई साबित हो रहे हैं, क्योंकि इसमें चरस शराब और सट्टेबाजी के खिलाफ अब खुद राजपुरा की महिलाओं और स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजपुरा क्षेत्र में नशे का खुलेआम कारोबार चल रहा है, लेकिन पुलिस आग बंद करके बैठी हुई है। स्थानीय लोगों ने खुद मोर्चा उठाते हुए पुलिस प्रशासन को नशे के कारोबार पर कार्रवाई करने के लिए 3 दिन का समय दिया है। राजपुरा के सामाजिक कार्यकर्ता शैलेंद्र बाली ने पुलिस को आमरण अनशन की चेतावनी दी है। वहीं लगातार नशे के बढ़ते कारोबार से परेशान होकर खुद मोर्चा खोले स्थानीय लोगों की चेतावनी के बाद एसपी सिटी का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है। टीम को नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। नशे का कारोबार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ जुए, सट्टेबाजी, स्मैक और बहुत सारे नशे हैं जो यहाँ पे क्षेत्र में चल रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से नशा का पूरा जो काला धंधा है, व्यापार यहाँ पे चल रहा है, ये बहुत दूर चले जाए यहाँ से। और हम भैया के साथ हैं, इनका सहयोग दे रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र से नशा मुक्ति हटाएं। बच्चे बिगड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाने वाले हैं, काफ़ी लोग जो नशा कर रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, नशा बेच रहे हैं, घर में मारा पीटी कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, अपने माँ बाप को प्रेशर कर रहे हैं कि हमें पैसे दे, ये दे, घर में चीज़ें चोर चोर के ले जा रहे हैं और हम मत नशा कर रहे हैं छोटे छोटे। मेरा नाम ज्योति। देखें, हर गली में शराब की बिक्री हो रही है, सट्टा जुआ बुक और कई तरह के अवैध कार्य राजपुरा में हो रहे हैं। कभी सोचा भी नहीं था इस जीवन में कैसा होगा, लेकिन अब बहुत बुरी तरह से ये राजपुरा हमारा नशे से ग्रस्त हो चुका है। यहाँ की हमारे जो प्रवेश द्वार है राजपुरा, वहाँ से शुरुआत हो गई सर, और इतनी शुरुआत हो गई कि खुलेआम नशा बिक रहा है, हर तरीके से नशा बिक रहा है, हर तरीके का नशा बिक रहा है। चरस भी बिक रही है, शराब बिक रही है, जुआ, सट्टा, बुक, सारे कार्य चल रहे हैं, अवैध कार्य चल रहे हैं, और मैं उन पर सब पे अंकुश लगाता हूँ। और मैं नामजद उनके नाम देना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो नहीं मान रहे हैं। कौन लोग हैं वो? अब यहाँ चौराहे से आपका जो है एक मस्ता के परिवार हैं, वो लोग कर रहे हैं, सामने सिकंदर है वो कर रहे हैं, और चरस में 2 व्यक्ति और हैं, और इस तरह आपके गोला नदी से लेके सिकंदर और आपके गोला नदी में आपके सनी हैं, तो बहुत लोग हैं, कई लोग कारोबार हैं इनमें। इसमें एक में आपके महिलाएं हैं, बीना है, और बीना है, और 2-3 लोग और हैं जो कि इसमें क्या कारोबार कर रहे हैं बहुत रूप से। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये लोग अपना नशा बंद कर दें, यदि भी वो नशा बंद नहीं करेंगे तो मैं धरना प्रदर्शन करूँगा प्रशासन के खिलाफ और आमरण अनशन भी करूँगा। मैं ये 2 दिन बाद, यानी 3 दिन का समय दे रहा है, और 3 दिन में मैं जो है आमरण अनशन के लिए इसी चौराहे पे, संतोषी माता मंदिर के चौराहे पे यहाँ बैठूंगा और आमरण अनशन करूंगा। नाम बताइए अपना। मेरा नाम शैलेंद्र बाली उर्फ राजा भैया का। नहीं, इसमें जब आप मेरे संज्ञान में इस चीज़ को ला रहे हैं और लोगों ने इस चीज़ को संज्ञान में लाया है, तो इसको बहुत अच्छे से वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, और जो भी नशे में लिप्त होगा उसको जेल को सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाए। वो लोग कह रहे हैं कि आमरण अनशन करेंगे अगर बात नहीं मानेगी तो? नहीं, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक, से पहले कार्रवाई। बिल्कुल।